Greetings students, in this video we will discuss class 10th chapter 4 carbon and its compound. So we start, so first we start carbon. Carbon का atomic number क्या होता है बेटा? 6. क्या होता है? Carbon का atomic number is 6. जैसे कि हम लिखते हैं, अगर carbon की हमें क्या लिखना पड़ जाए, electronic configuration लिखना पड़ जाए, तो हम कैसे लिखेंगे? 2-4 इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखा हमें, कार्बन का क्या लिखा? 2-4. इसके बाद हमने क्या करा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है एक ऑक्टेट थ्योरी. क्या है? ऑक्टेट थ्योरी. ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो क्या हो, लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो. कितने हो लास्ट वैलेंस सेल में? या तो कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो. या एक्सेप्शन क्या हो? 2 इलेक्ट्रॉन. एक्सेप्शन क्या हो सकता है? क्या हो? या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, या लास्ट वैलेंस सेल में कितने हो? 8 इलेक्ट्रॉन हो. मतलब जो ये है, इसमें कितने होने चाहिए? या तो इस लास्ट वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या कितने होने चाहिए? 2. जो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्टेट. क्या बोलते हैं? ऑक्टेट. और 2 को क्या बोलते हैं? डुप्लेट. क्या बोलते हैं? डुप्लेट. क्या बोला? ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है कि किसी भी एटम के लास्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 8 हो, या एक्सेप्शन क्या? 2. ठीक है. उसके बाद ये क्या करेगा कि अगर मान ले मेरे पास क्या है, अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैंने किसका लिया था? कार्बन का. अब इसको दो कंडीशन है मेरे पास, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा. या क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा. ठीक है ना. देखो क्या करेगा ये, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? गेन करेगा. या क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा. ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा. या क्या करेगा, यहाँ क्या करेगा, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा. तो क्या बन जाएगा? डबलेट बन जाएगा. ठीक है ना. सो ऑक्टेट थ्योरी ये कहती है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन का क्या करे, गेन करे या लूज करे, तब ये क्या कर सकता है, अपने ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट कर सकता है. लेकिन ये क्या है, ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है. मतलब ये प्रोसेस ईजी नहीं है. ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस हमारा फिजिबल नहीं है, बहुत आसान नहीं है. हम एक इलेक्ट्रॉन को या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? गेन करा सकते हैं या उसका लॉस करा सकते हैं. ये नहीं कि हम, ये बहुत फिजिबल, मतलब बहुत मुश्किल प्रोसेस है. सो फिर यहाँ क्या क्या करते हैं, हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं. क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या कर, कार्बन ने फिर क्या, कार्बन क्या करता है, कार्बन स्टार्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या करना स्टार्ट करता है? शेयरिंग करना स्टार्ट कर देता है. किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की. मान लो कि मेरे पास क्या एग्जांपल लिया मैंने, फॉर एग्जांपल मैंने ली फॉर्मेशन ऑफ H2. किसकी ली? फॉर्मेशन ऑफ H2. अब देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, इधर है. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1. ठीक है, कितना है? 1. अब मेरे पास क्या है, देखो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. तो क्या करेगा अब, अब हाइड्रोजन को क्या करना है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है. तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक इससे ले लेगा, और ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा. तो क्या होगा, इसके 2 हो गए ना, 1-2. इसका भी क्या हो गया, 1-2. तो हाइड्रोजन ने क्या कंप्लीट कर लिया, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया. क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया. ठीक है ना. यहाँ पे मतलब कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बना, कोवलेंट बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बना बेटा, कोवलेंट बॉन्ड. मतलब यहाँ से मतलब म्यूचुअल शेयरिंग, दोनों से बराबर शेयरिंग हुई है. यहाँ पे क्या हुई है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या हुआ बेटा, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या हुआ है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. दोनों तरफ से क्या हुआ है, दोनों तरफ से शेयरिंग हुई है. किसकी, इलेक्ट्रॉन की. ठीक है ना, दोनों तरफ से क्या हुई है, शेयरिंग हुई है. हाइड्रोजन क्या करा, एक बार इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, और क्या करा, डुप्लेट कंप्लीट कर लिया. इधर से भी क्या हुआ, हाइड्रोजन एक इधर से कर लिया. देखो
एक तो ये करा, एक दो, और ये ब्लैक से कर रखा है एक, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगी हमारी, H2 की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल हम एक और ले लेते हैं, क्या N2, क्या ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2, क्या लेते हैं बेटा, देखिए फॉर्मेशन ऑफ N2। अब देखो मेरे पास क्या है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर मेरे पास क्या है, 7। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन कैसे लिखोगे, 2 5, सही बात है ना। E.C का मतलब क्या बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, 7 होता है एटॉमिक नंबर। N2 है मेरे पास, तो मैंने क्या कराया, N, 2N है, N लिखा, मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, लास्ट सेल में कितने मेरे पास, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, कितने मेरे पास, 5। अब देखो, अब नाइट्रोजन को कितने चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 3। ये क्या करेगा नाइट्रोजन, क्या करेगा यहाँ से, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है जी, क्या करा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। इधर से क्या करा, अब इस नाइट्रोजन के पास भी क्या, इस नाइट्रोजन को भी क्या चाहिए, 3 चाहिए, ये 3 यहाँ से ले लेगा, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गए। देखो गिन के देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ब्लू वाला पूरे 8 हो गए ना बेटा। अब ब्लैक वाला देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे क्या होगी, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, क्या होगी यहाँ पे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन की हुई है, अब मैंने पीछे जो H2 कराया था आपको, H2 कराया था ये वाला, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग किसकी हुई थी, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग कितने की हुई थी, 1 इलेक्ट्रॉन की, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग किसकी होगी, 3 इलेक्ट्रॉन की, क्या क्या हो, इसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स किसकी हुई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसमें बॉन्ड कौन सा बनेगा हमारा, ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। जो देखो कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है, जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने उसको क्या बोलते हैं हम, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग से बढ़ रहा है, शेयरिंग हो रही ना, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको हम क्या बोलेंगे, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स में क्या, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो हम इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा, क्या बोलेंगे इसको, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। कैसे देखा, ये मेरे पास क्या बन गए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। ये मेरे फॉर्मेशन ऑफ N2 थी, ये मेरे क्या था, फॉर्मेशन ऑफ H2 थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर आपसे कोई कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ O2 बताओ, क्या फॉर्मेशन ऑफ O2 बताओ, फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या होगी, मतलब O2 की फॉर्मेशन क्या होगी, तो आप बता सकते हो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8, मीन्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या होगी, 2 6, O2 है मेरे पास, क्या है, 2 ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन है मेरे पास 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये मेरे पास क्या बेटा, ऑक्सीजन के मैंने लिख दिए, O2 है मेरे पास, 2 O2 लिख दिए, एक इधर, कितने हैं लास्ट वाले सेल में, 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसको क्या करना, ऑक्टेट कंप्लीट, तो क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कंप्लीट हो गया बेटा 8। और इधर ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा, इधर से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पर म्यूचुअल शेयरिंग कितनी हुई, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, डबल बॉन्ड, क्या बन रहा है हमारा, डबल बॉन्ड इधर, ठीक है ना। इधर मैंने क्या बताया, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ कितनी हुई थी, 3 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन की बता दिया था, तो हम इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, डबल कोवलेंट बॉन्ड। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा क्या है, कोवलेंट बॉन्डिंग आता है। कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, क्या है,
कोवलेंट बॉन्डिंग, व्हाट इज कोवलेंट बॉन्डिंग, मतलब हम इन्हें बता रहा हूं आपको, मतलब उन कंपाउंड्स को कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं जिसमें कोवलेंट बॉन्डिंग हो। क्या बताया बेटा कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या है? उन कंपाउंड्स को हम कोवलेंट कंपाउंड्स कहेंगे जिनमें क्या हो, कोवलेंट बॉन्डिंग हो। इनकी मेन प्रॉपर्टी होती है, हमारे पास टू मेन प्रॉपर्टी है, देर आर टू मेन प्रॉपर्टी किसकी, कोवलेंट बॉन्डिंग की। सबसे पहले क्या है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे बॉन्डिंग क्या होती है बेटा, बहुत ही स्लो होती है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हाई नहीं होती, बहुत ही स्लो होती है, थोड़ी सी हीट करने पे भी क्या हो जाती है, बॉन्ड आपस में टूट जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसका कहने का मतलब बेटा इसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते, इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल, इसलिए क्या है ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे क्या है, आयंस क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, क्या होते हैं, आयंस आर अब्सेंट एंड एटम और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ये रीजन है किसका, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है फिर, कार्बन कंपाउंड्स, क्या कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स की भी क्या प्रॉपर्टी, हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, उसकी भी दो हमारी मेन प्रॉपर्टी हैं, सेम है क्या, देन हमारा क्या है, कार्बन कंपाउंड्स की क्या होगी प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन के जो कंपाउंड होंगे उनकी क्या प्रॉपर्टी होगी, मैंने बताया उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि फर्स्ट क्या था, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सेकंड क्या था, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या बताया फर्स्ट कि क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा और लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, सेकंड क्या बताया, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की। तो और क्या है कि इन कार्बन कंपाउंड्स देयर इज कोवलेंट बॉन्डिंग, कैसी बॉन्डिंग होगी, कार्बन कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्डिंग, मीन्स कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा कि कार्बन कंपाउंड्स में कैसी बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, कोवलेंट बॉन्डिंग मतलब मीन्स क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहां पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया मिथेन का, क्या लिया, फॉर एग्जाम्पल हमने किस चीज़ का लिया, मिथेन, फॉर एग्जाम्पल मिथेन CH4, क्या लिया हमने एग्जाम्पल किसका, मिथेन का CH4। अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, कार्बन इधर मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन इधर क्या लिया, हाइड्रोजन इधर क्या लिया, हाइड्रोजन और इधर भी क्या लिया, हाइड्रोजन। कार्बन के कितने थे लास्ट वाले, कितने, चार, कार्बन का 1। अब देखो कार्बन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, चार और चाहिए, तो कार्बन क्या करेगा, एक चारों का हाइड्रोजन से क्या लेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो इसके कितने कंप्लीट हो गए, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गए ना, 8 कंप्लीट किसके, कार्बन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। अब अगर
हाइड्रोजन को करना हो तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन का एक ले लेगा। देखो हाइड्रोजन ने भी क्या करा, अपने डुप्लेट बना लिया। जैसे देखो वन टू वन टू वन टू वन टू, सो ये हमारा क्या है, मीथेन का लिया हमने स्ट्रक्चर। जब मतलब कैसे बनेगा ये, इसमें कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे, इसमें फोर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। कितने होंगे, फोर कोवलेंट बॉन्ड होंगे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो रही है, फोर की हो रही है ना, कितनी हो रही है फोर, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो रही है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, ठीक है। ये हमारा मिथेन का था, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होता है, फिजिकल स्टेट पे सेम एटम की अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। एलोट्रोपी क्या है, एलोट्रोपी, एलोट्रोपी क्या होगा, एटम्स ऑफ, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर इन सेम फिजिकल स्टेट। क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज्ड इन डिफरेंट मैनर, क्या होगा, सेम एलिमेंट के क्या होंगे, एटम होंगे, लेकिन उनकी अरेंजमेंट क्या होगी, जो उनका अरेंज करने का तरीका क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, और क्या होगी, सेम क्या होगी, फिजिकल स्टेट होगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, कार्बन है, क्या मेरे पास है? कार्बन, कार्बन के मेरे पास क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड है, क्या है, ग्रेफाइट और डायमंड। अब आपको पता है ग्रेफाइट भी किस चीज़ से बना हुआ है, कार्बन की, कार्बन से बना हुआ है, कार्बन कार्बन से बना हुआ है, और डायमंड भी किससे बना हुआ है, कार्बन कार्बन से, दोनों क्या है, सॉलिड है, दोनों क्या है, सॉलिड है। एग्जांपल क्या लिया हमने, कार्बन, इसमें ग्रेफाइट क्या किस चीज से बना हुआ है, कार्बन कार्बन से मिलके बना हुआ है, और डायमंड भी किससे बना हुआ है, कार्बन कार्बन से। डायमंड की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड, और ग्रेफाइट की कैसी होती है, सॉलिड की। मतलब अब आप देखो कि इसमें क्या रखा है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट से बना हुआ है, सेम एटम से बना हुआ है, लेकिन इनके अरेंजमेंट क्या है, ग्रेफाइट की अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, और डायमंड की क्या है, अलग अलग है। अब हम वो पढ़ेंगे कि कैसे है, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे हम एक बार एलोट्रोप्स क्या होते हैं, व्हाट इज एलोट्रोप्स, क्या होते हैं, व्हाट इज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स का फर्स्ट क्या होगा, सेम एलिमेंट एटम्स, सेकंड क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होगी, डिफरेंट होगा, इज डिफरेंट। फर्स्ट क्या है, सेम एलिमेंट एटम है, थर्ड क्या है, अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एटम, थर्ड क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, सेम है, क्या है, फिजिकल स्टेट क्या है, सेम, फिजिकल स्टेट क्या है, सेम। फोर्थ, प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज कैसी हैं, डिफरेंट है, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है क्या है, डिफरेंट है। फर्स्ट क्या एलोट्रोप्स के देखो, मैंने क्या बताया, सेम एलिमेंट एटम, ठीक है, एक एलिमेंट क्या होंगे, एटम्स होंगे, और सेकंड क्या है, जो उनकी अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी, फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉपर्टीज क्या होगी, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम अब फर्स्ट लेते हैं ग्रेफाइट का, क्या लेते हैं, ग्रेफाइट का। अब ग्रेफाइट कैसे बनता है, वन कार्बन एटम इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम, ठीक है, वन कार्बन एटम इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम, ठीक है। ये क्या है मेरा, ग्रेफाइट है, कि एक कार्बन एटम, दो, वन कार्बन एटम इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम, या ऐसे कर लो, जैसे कि मैंने क्या बताया, वन कार्बन एटम अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम, ठीक है जी,
समझ रहे ना, वन कार्बन एटम इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम, वन टू थ्री, ठीक है, ये मेरा क्या है। अब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ग्रेफाइट के बारे में। देखिए मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, फर्स्ट वाइज फर्स्ट यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वन वन कार्बन एटम इज अटैच टू थ्री अदर कार्बन एटम। कार्बन सी का मतलब बेटा क्या है, कार्बन, ठीक है, थ्री अदर कार्बन एटम्स। और इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, ये लेयर टाइप स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है ना, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर होंगे, ठीक है ना, जैसे कॉपी होती है हमारी, कॉपी के पेजेस होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये लेयर स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा बेटा, लेयर स्ट्रक्चर होगा, कैसा, लेयर स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। थर्ड क्या होगा, हेक्सागोनल होगा, क्या बेटा, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ठीक है। और फोर्थ क्या होगा, नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो इसमें बॉन्डिंग होगी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, ठीक है ना, जो मतलब बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, जो लेयर्स है ना, ये लेयर इनमें ज़्यादा नहीं होंगी, ये इजीली से क्या हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, टूट सकती हैं। जैसे कि हम पेंसिल लेते हैं, जो पेंसिल सी होती है ना, वो जब चलते हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उस पर क्या होती है, वो लेयर होती है, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्या है, टू डायमेंशनल, ये कैसी होती है, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और ये कैसे होते हैं, इज यूज्ड एज, कैसे होते हैं, द ग्रेफाइट, ये मेरा सिक्स्थ पॉइंट है, क्या है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ ल्यूब्रिकेंट, लुब्रिकेंट का क्या, लुब्री एज ए यूज करा जाता है, क्या, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट आप समझते हो ना बेटा, जो मशीन्स होती है उसको काम कर मतलब सॉफ्ट करने के लिए काम आता है हमारा, क्या, लुब्रिकेंट क्या होता है, काम आता है। और ये हमारा क्या होता है बेटा, सॉफ्ट होता है। ग्रेफाइट कैसा होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है, कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। एट्थ हमारा क्या है, ये हमारा क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। कैसे होता है, देखिए ये ऐसे होता है, देखो कैसे होता है हमारा, ये गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। मैंने बताया आपको कि एक कार्बन एटम किससे है, थ्री कार्बन एटम, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, फोर, है ना, तो इसमें क्या है, मेरा एक क्या होता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन खाली होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन खाली होता है बेटा, देखो ये तो भरे हुए हैं, एक वन कार्बन एटम थ्री अदर कार्बन एटम, लेकिन वैलेंसी कितनी होती है, चार, तो ये मेरे पास क्या है, खाली है, तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है क्या, फॉर ए गुड कंडक्टर ऑफ ए हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये क्या होता है, इज वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, टू पास इलेक्ट्रिसिटी, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन इज फ्री, ठीक है। देखो ये लिखता हूं, वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री, दिस इज रिस्पॉन्सिबल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, ये क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है बेटा। एक बार दोबारा बताता हूँ ग्रेफाइट के बारे में, वन कार्बन एटम अटैच्ड विद थ्री अदर कार्बन एटम, ठीक है, ये मैंने लिख दिया आप। सेकंड क्या है, लेयर टाइप स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, नो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, जो बॉन्डिंग है इसमें कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्ट होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसका कारण क्या है, जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन फ्री है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट में ये पढ़ू, किसका पढ़ूंगा, डायमंड का, किसका, डायमंड का। अब डायमंड का क्या होगा, वन कार्बन एटम इज अटैच टू फोर अदर कार्बन एटम। अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, अब मैं बात कर रहा हूँ डायमंड की, किसकी, डायमंड की। डायमंड का, डायमंड कैसे होगा, मान लें मेरे पास एक कार्बन एटम है, किससे कनेक्ट है, चार अदर कार्बन से, ठीक है, ये किससे कनेक्ट है, चार
ये किससे कनेक्ट है, मतलब ये भी चार अदर है कार्बन एटम से, तो वन कार्बन एटम इज, वन कार्बन एटम इज अटैच्ड विद फोर अदर कार्बन एटम। ये मेरा क्या है, क्या बेटा, डायमंड है, ठीक है। लिख देता हूं मैं, वन कार्बन एटम इज अटैच टू फोर अदर कार्बन एटम, ठीक है बेटा। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या है, नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर होता है, कैसा नेटवर्क स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क फैला रहा है ना बेटा, देखो ये नीचे नीचे नेटवर्क फैलाता जा रहा है, नेटवर्क स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बेटा क्या है इसका, ये 3D होता है, क्या होता है, 3D डायमेंशनल होता है, ये सॉफ्ट नहीं होता बेटा, ये क्या होता है, हार्डेस्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, ये हार्डेस्ट होता है। और क्या होता है बेटा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बेटा इसमें चारों क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, चारों कार्बन से चार होती, तो इसमें क्या होते हैं, चारों कोई भी फ्री नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता इसमें, ठीक है। हाँ हमारे पास ये थे, ठीक है। और हमारे पास अब क्या है, हमारे पास है प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बन की। वी हैव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, वी हैव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, टू प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या बेटा, फर्स्ट है टेट्रावेलेंट, क्या है, टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मतलब बेटा देखो, टेट्रा मतलब क्या होता है, टेट्रावेलेंट मतलब होता है फोर, क्या होता है, फोर। वैलेंट मीन्स क्या होता है बेटा, वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी क्या हो बेटा, फोर। मान ले देखो मेरे पास क्या है, कार्बन, कार्बन किससे जुड़ा हो, कार्बन किससे जुड़ा हो, या तो कार्बन किससे जुड़ा हो बेटा, कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, या हाइड्रोजन से जुड़ा हो, या क्लोरीन से जुड़ा हो, ठीक है ना, किससे जुड़ा हो, कार्बन से जुड़ा हो, हाइड्रोजन से जुड़ा हो, क्लोरीन से जुड़ा हो, या सल्फर से जुड़ा हो, या फ्लोरीन से जुड़ा हो, ठीक है ना, या फ्लोरीन से जुड़ा हो। मैक्सिमम टाइम आपको क्या दिखेगा, मैक्सिमम टाइम आपको दिखेगा कि कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ा दिखेगा, या कार्बन कार्बन के साथ, या क्लोरीन फ्लोरीन किसी के साथ भी दिख सकता है, ठीक है। कहीं पे कार्बन होगा, कहीं पे हाइड्रोजन होगा, कहीं पे क्लोरीन होगा, कहीं पे फ्लोरीन होगा, कहीं पे आयोडीन होगा, कहीं पे ऑक्सीजन होगा, ठीक है ना। मतलब क्या है देखो, कहीं पे क्या होगा, मतलब कार्बन, कहीं पे क्या होगा, क्लोरीन फ्लोरीन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन आयोडीन सल्फर। मोस्ट ऑफ टाइम क्या होगा, मोस्ट ऑफ टाइम कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे आपको, क्या मिलेगा, मोस्ट ऑफ टाइम कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, ठीक है जी। मोस्ट ऑफ टाइम आपको क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे। ये हमारी क्या थी, टेट्रावेलेंट। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या है, अपने ही एटम से अपनी ही लंबी लंबी चैन बनाना, ठीक है ना, अपने ही एटम्स की लंबी लंबी चैन बनाना, वो हमारा क्या कहलाएगा, कैटिनेशन। क्या कहलाएगा बेटा, कैटिनेशन। मतलब क्या होगा, प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा इसकी, जो मैंने बोला वही होगी बेटा, क्या, अपने ही एटम की लंबी लंबी चैन बनाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है, कैटिनेशन। तो लिख लो आप, प्रॉपर्टी क्या होगी, मेक सेल्फ लॉन्ग स्ट्रेट चैन और सर्कल, समझ रहे हो, मतलब अपने ही सेम एटम की लंबी लंबी चैन बनाना, या वो देखो ऐसे लंबी लंबी कार्बन की चैन बना ले, ये क्या होगा, लॉन्ग स्ट्रेट चेन, या क्या करे, लंबी लंबी चेन बना के क्या करे, ब्रांच बना ले, या क्या करे, साइक्लिक बना ले, ठीक है ना,
साइक्लिक बना ले या इनका कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस करके बना ले, तो ये क्या होती है हमारा कैटिनेशन होती है बेटा, ठीक है ना। ये मेरी क्या है, साइक्लिक चेन है। क्या मेरी साइक्लिक चेन है। ये मेरी क्या है, ब्रांच, लॉन्ग ब्रांच चेन। अब इसको और बड़ी कर दो आप, ठीक है। ये मेरी क्या है, लॉन्ग ब्रांच चेन, ठीक है ना। तो आप ऐसे करके इनका कॉम्बिनेशन करके भी हम क्या बना सकते हैं कि मतलब चेन बना सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस करके भी हम क्या कर सकते हैं, चेन बना सकते हैं। सो हमारी ये दो प्रॉपर्टीज थी किसकी, कैटिनेशन की। ओके।